सिवान शहर के टाउन हॉल में उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सिवान सांसद कविता सिंह और उनके पति जेडीयू नेता अजय सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत किया। मौके पर उन्हें अंग वस्त्र व तलवार सांसद कविता सिंह के द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे से मुकाबला करने के लिए मैं द्रोणाचार्य की तपोभूमि में आशीर्वाद लेने आया हूं और यहां मेरा ननिहाल भी है, इसलिए मैं यहां आशीर्वाद लेकर बहुत खुश हूं। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और मैं आशीर्वाद में लेने आया हूं, ये द्रोणाचार्य की तपोभूमि है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म यहीं पर हुआ था और ये मेरा ननिहाल है, मैं यहीं का खून हूँ। मैं एक महाराष्ट्र में अत्याचारी पैदा हुआ है अकेले, जिसका नाम है राज ठाकरे, उससे लड़ने के लिए मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कल विश्वामित्र की धरती पर भी गया था, उनसे भी आशीर्वाद मांगा हूँ। बाबा देवबंद में भी गया था, बैजनाथ धाम का, उनका भी आशीर्वाद मांगा हूँ। और मैं यहाँ आकर के बहुत अद्भुत हूँ, बहुत खुश हूँ। कविता जी ने या और हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी भाई हैं, बहुत अच्छा स्वागत किया। इतना अच्छा स्वागत मेरा कहीं नहीं हुआ। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।